दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और आप पत्रकारिता का कोर्स करना चाहते हैं, या आप कहीं पर वर्किंग हैं किसी न्यूज पोर्टल में और आपको जो है सर्टिफिकेट कोर्स करना है जर्नलिज्म से रिलेटेड, तो वीडियो खासकर आपके लिए है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज हम आपको ले चलते हैं UPRTU की वेबसाइट पर। वहाँ पर हम दिखाएंगे आपको पूरा कि आप किस प्रकार से कोर्स कर सकते हैं, फीस क्या है, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप के गूगल ब्राउजर में आपको सर्च करना है UPRTU। और UPRTU आप जब सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आपको नीचे UPRTU एडमिशन वाले जो है सर्च रिजल्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है उस पर क्लिक, आपको कुछ इस प्रकार का रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। ये एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम की जो है अभी हमारे सामने पेज खुला हुआ है। तो इसमें हम जानेंगे फाइंड प्रोग्राम और स्टडी सेंटर। तो हम प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि 10th पास के बाद सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा है जो हमारे लिए जो हम करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है सर्च प्रोग्राम डिटेल और सर्च स्टडी सेंटर। तो अभी मैं प्रोग्राम डिटेल पर आपको सर्च करके दिखाता हूँ, फिर आपको स्टडी सेंटर के बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों, आप यहां से सर्टिफिकेट कोर्स को चुन लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे जो है ड्रॉप डाउन मेनू में आपको मिलेगा CRGMC सर्टिफिकेट ऑफ रूरल जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आपको जैसे ही आप जो है CRGMC को आप जो है क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। जैसा मैं करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो CRGMC कोर्स के बारे में अगर बात करें तो ये कोर्स आपका जो है मिनिमम 6 माह का कोर्स है, और इसकी फीस की अगर बात करें तो 2200 रुपये इसकी फीस है। अगर यहीं अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन आपको बता दें कि क्वालिफिकेशन इसकी जो है हाई स्कूल है। अगर आप जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप अगर 10th पास हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। प्रोग्राम कोड की बात करें तो 426 इसका जो है प्रोग्राम का कोड है। ये पूरी जानकारी आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। कॉमन एडमिशन है, कोई एंट्रेंस टेस्ट वगैरह इसमें नहीं होगा, असाइनमेंट भी नहीं है, मात्र 6 माह का कोर्स है। अब हम चलिए जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने गेट पेपर पर क्लिक किया तो आपको जो है 3 सब्जेक्ट आपको इसमें मेन पढ़ाया जाएगा। जो पहला है जनसंचार एवं पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का है, जिसमें आपको जो है संचार और पत्रकारिता के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। और दूसरा आपकी बात करें तो न्यूज राइटिंग और एडिटिंग, समाचार लेखन और संपादन का एक कोर्स है, वो भी आपको जो है एक सिलेबस है वो भी पढ़ाया जाएगा। और तीसरा आपका है ग्रामीण पत्रकारिता, इसका उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, ये भी आपको जो है पढ़ाया जाएगा। तो पूरा मिला के जो है 3 सब्जेक्ट है, और इसकी बुक्स वगैरह आपको जो है घर पर मिल जाएगी आप ये अगर आप यहाँ पर दाखिला ले लेते हैं। अब चलिए देखते हैं स्टडी सेंटर को आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आप कहीं से भी हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है इसके संबंधित जो महाविद्यालय है वो इस UPRTU से अटैच है। UPRTU एक मुफ्त विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर जो है तमाम महाविद्यालय जो इससे अटैच्ड हैं, और यहाँ पर आप जो है दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना स्टडी सेंटर चूज़ करेंगे तो आप सर्टिफिकेट कोर्स को आप चुनिएगा, उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम में आएंगे तो यहाँ पर आपको CRGMC जो कोर्स आपको करना है उसको चूज़ कर लेना है। और उसके बाद आपको जो है आपका जो रीजनल सेंटर है उसका डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है। देखिए, अब ये जो रीजनल सेंटर का डिस्ट्रिक्ट जो है मैं इलाहाबाद चुन लेता हूँ। और आपका जो पास में हो, अगर आप जो है यूपी के बॉर्डर में हैं या यूपी से बाहर कहीं के, तो आपके पास का जो है आपको वो सेंटर चूज़ करना है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ प्रयागराज में कितने जो है महाविद्यालय हैं जहाँ पर इस कोर्स का जो है सेंटर है, वहाँ पर आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एग्ज़ाम हो सकता है वहाँ पे हो, नहीं तो आपको जो है मेन कैंपस में ही एग्ज़ाम देना होगा। ये आपको जो है ये जानकारी आपको लेना ज़रूरी है। और इसकी जो है पेपर का माध्यम की बात करें तो हिंदी पेपर में आप जो है इसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे कॉलेज जो है खुलकर सामने आ गए। इसमें जो भी आपको नज़दीक हो या जो कॉलेज आपको पसंद हो आप उसको चुन सकते हैं। एडमिशन सेक्शन में जाकर आप जो है दाखिला भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत कम फीस में आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो है 10वीं पास जो है उनके लिए बहुत ही बेहतर ये जो है कोर्स है, वो इसको कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।